पवित्रे धारणमा ओ पवित्रे वैष्णवी दुर्वा प्रसव उत्पूरम नक्षरेण पवित्रेण दोषस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र भूतस्य यत्कामः पुनीत क्षके अम्मा। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के श्री ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। ओम कस्तूरे तिल कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभमु नासाग्रे वरि मोक्ष कम करतले वेणुर करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चोड़ामणिम कुंभुर्वर्चः श्री राधाकृष्णाभ्यो नमः। गंधाक्षरपुष्पं समर्पयामि चंदन लगा दीजिए। ओम तं गंधर्वा अघन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति तमोखदे तमो राजा विद्वान स्वादिमचितम्बरवर्चः गंधाक्षरपुष्पं समर्पयामि अक्षतपुष्प दीजिए पुष्पम पुष्माला ओम माल्यादेन सुगंधेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् मा ओम भूर्भुवस्तः श्री राधाकृष्णाभ्यो नमः। पुष्पम पुष्मालायां समर्पयामि धूप दीप ओम धूरसि धूपधूर्वन्तं धूर्वतन् ज्योतिमान् धूर्वतितं धूर्भजं बलं धूर्वा महादेवानामसि भन्यतामग्गुं सत्रितामं पवित्रतमञ्ज्येष्ठतमं देवहूतमं वा ओं भूर्वर्ष धूपम् अर्घ्यामि दीपम् ओं चंद्रमा मनसो जातच्छोः सूर्यो अजायत त्रोत्राधायुश्च प्राणिश्च मुखा अग्निरजायत ओं भूर्वर्षः धूपम् दीपम् दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद भोग लगाइए। ओम नाभ्या आसीनं तरिश्च गुंसे स्नोर्ध्योः सामवर्तता पद्भ्याम्बो मृदितः रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न अम्बुर्वार्तः श्री राधाकृष्णाभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि पंचवारं जलं समर्पयामि पांचवार जल नीचे कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतिस जातः पतिरेक पूर्वे साध्यामर्पयामि बोलि भागवत भगवान की जय। व्यास पूज नमः। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्यताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये त्रयम् माला पहना दीजिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्गुरवे नमः। द्रव दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतिस जातः पतिरेक आसीत जदाधार प्रविन्दाम ते मां कस्मै देवाय अभिकापधे मां। इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान अग्नि प्रजा बहुला मे करो वर्णम पयोरे तो अस्मा तो धत्ता करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा बसतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो कान्हा बलि बलि जाओ। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी। रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे तो कान्हा बलि बलि जाओ, तुझ पे तो कान्हा बलि बलि जाओ, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी, हे कृष्ण गोपाल करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। यं प्रवजन्तमेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जहाव, पुत्रे तु तन्मतया तरवोऽभिनेदोऽतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम्, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। बरसाने की लाडली नंद ग्राम के श्याम, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम। परम्परा प्रथमेश्वर
अकारण करुणा मनो डाले श्री भगवान चित्कल पुरुष मुझे पीतामृत हरि भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को कोट करुणा नाम जी के दाखिल सिद्ध प्रदान करें। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज को कोट करुणा नाम जी के दाखिल सिद्ध प्रदान करें। भगवान भूतवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के सिद्ध प्रधान कथा श्रवण करके चरण आशीर्वाद प्रदान करें। पूज माता पिताजी के चरणों कोट कोट नाम जी के दाखिल सिद्ध प्रदान करें। और इसी क्रम में परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर पधारें, मुझे कथा कहना सिद्ध प्रदान करें। राष्ट्र से श्री श्री राधाना ने अपने चरणों से दूर न करें। श्री कृष्ण कन्हैया सरकार अपने चरणों का दास बना कर रखे। सुना है पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ संभालें, मुझे कथा कहना सिद्ध प्रदान करें। भगवान राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, मुझे सुंदर वाणी प्रदान करें। और इसी क्रम में व्यास भगवान श्री सुखदेव जी भगवान अपने चरणों से दूर ना करें सीमित प्रार्थना है। और जहां तक हमारी आवाज जा रही सभी भक्तों से प्रार्थना, आप सब कथा में पधारें। माता शारदा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, मुझे सुंदर वाणी प्रदान करें। सिद्धबुद्धि दाता श्री विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज मुझे सिद्धबुद्धि प्रदान करें। और हमारे इस कथा के आचार्य अभिनंदन जी महाराज कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। सुप्रसिद्ध भजन सम्राट भागवताचार्य श्री राजन तिवारी जी अयोध्या धाम कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। तबला पे संगत करे गोलू भैया जी कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। पेट पे संगत करे श्रीकांत शास्त्री जी अयोध्या धाम कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। हमारे भैया श्री यशोदानंद जी महाराज कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। बंटी स्टूडियो आगरा ऑपरेटर दीपक जी को कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। और हमारे मुख्य यजमान जी को कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। और साथ ही साथ जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। सती अनुसुईया सीता जी के चित्त को चेतात करने वाली परम पूज्य नमत बहन बेटियां, आप सभी को कोट कोट वंदन। आप मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। प्यारे बच्चों को प्यारा भरा आशीर्वाद। और जो लोग अभी तक कथा में नहीं आए हैं मैं निवेदन करूंगा आज जरूर आए, क्योंकि आज के कथा के बाद कल से हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को फिर भगवान की कृपा से कब अवसर ऐसा मिलेगा कि जब हम लोग भगवान की कथा को सुनकर के अपना जीवन धन्य बनाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आए और बड़े भाव से भगवान की कथा में गोता लगा करके अपना जीवन धन्य बनावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए आज कथा का विश्राम दिन है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज ठाकुर जी से कहेंगे कि ठाकुर जी सातवां दिन है आज कथा का, हमारे कथा सुनने में या कथा कहने में कोई त्रुटियां आ रही होंगी, तो मैं उसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि अपने चरणों का दास बना करके रखना। ओ बाके बिहारी यही विनती, नित चरणन में बसाए रहो, अपने वृंदावन में कान्हा, बस सुबह हो शाम बुलाए रहो। अब चाह नहीं धन दौलत की, चरणों से अपने लगाए रहो। मैं बांकी झांकी निहारा करूं, संसार से मन को हटाए रहो। सभी लोग हाथ जोड़ करके कहेंगे गुनागार हो। प्रभु हम लोग कथा सुन रहे हैं, कुछ गलतियां तो हो गई होंगी। गुनहगार हो,
खतावार हूँ, नहीं दीदार के काबिल मैं हूँ, नहीं मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल किस द्वारे जाऊं। उजड़ा हुआ गुलशन हूँ मैं, उजड़ा हुआ गुलशन हूँ मैं, न बहार के काबिल मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ तेरे प्यार के काबिल। कन्हैया गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, नहीं दीदार के काबिल मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। दोनों हाथ पकड़ के बोलिए राधे। मेरे जो रूप तुम्हारा निहारा करो, दृष्टि नहीं है पास मेरे जो रूप तेरा निहारा करो, ओ तड़प नहीं दिल के अंदर जिससे मैं तुम्हें पुकार सकूं, नहीं दिल के अंदर जिससे मैं तुम्हें पुकार करूं, ओ आग नहीं आहों में जो सारा तन मन जार सकूं, ओ त्याग नहीं अपने मन में जो सर्वस तुम पे वार सको, भूला हूँ मैं वादा में, भूला हूँ मैं, नकरार के काबिल। दोनों हाथ पर करिएगा और कहिएगा कन्हैया मैं आपके लाभ काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो आज आपके काबिल बन जाऊंगा। प्रेम से बोलिए मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के
मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल, गुनहगार हूँ सभी लोग बोलेंगे हो तेरे प्यार में ना संसार के काबिल। अब मैं संसार के काबिल, अब तो कन्हैया तुम्हारी चरणों के काबिल हो गया हूँ। इस नाते प्रेम से कहना है क्या, मैं हो नहीं, मैं हो नहीं तेरे प्यार के कहिएगा कि नहीं आ, इस बार सभी को बोलना पड़ेगा, मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल, मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल। मेरी माँ की बिहारी यही विनती, बस इस नारिश्ता निभाना पड़ेगा, हम तेरे चरणों में बैठे हैं कभी अपने दर पे बुलाना पड़ेगा। दुनिया की अब मोह चाह नहीं, मेरे मन के भाव पुराना पड़ेगा, मैं हूं नहीं चरणों के काबिल, मुझे चरणों के काबिल बनाना पड़ेगा, मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल, मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल, ओ मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल।
इतने ने कल सुना होगा कि भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। किससे विवाह किया? रुक्मणी जी से। और जब भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया, आप बताइए क्या रुक्मणी जी भगवान की योग्य थी? वो भगवान हैं और रुक्मणी जी जीव हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें अपना बनाया और 16108 विवाह भगवान ने किए। कितने? 16108 विवाह भगवान के हुए। और हे परीक्षित, एक ही सस्ता पुत्रानो कन्या दस दशा वाला, सभी रानियों को दस दस बेटी हुई और एक एक बेटा हुआ। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि दस दस बेटी और एक एक बेटा, तो 16000 में अगर 11 का गुणा करिएगा तो कितना होगा? बोलिए। 16000 में अगर 11 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? अब एक सब बाद में जोड़िएगा, लेकिन इतने बच्चे भगवान के घर पर हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के बेटे प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की बिटिया रुक्मावती के साथ हुआ। भगवान के नाती अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नतनी रोचना के साथ हुआ। और अनिरुद्ध का एक विवाह बाणासुर के साथ, बाणासुर के बेटी जिसका नाम था उषा, उषा के साथ हुआ। और उस विवाह में इतनी लड़ाई हुई, शिव जी भगवान नारायण एक दूसरे से लड़ने लगे। पाशपतास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नयास्त्र, तमाम अस्त्र शस्त्र छूटने लगे। महेश्वर ज्वर शिव जी ने छोड़ा, वैष्णो ज्वर भगवान नारायण ने छोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ आए, युद्ध हुआ। महेश्वर ज्वर हार गया और भगवान का प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि जो इस प्रसंग को सुनेगा कभी उसको ज्वर का भय नहीं होगा। इसके बाद भगवान ने द्विविध नामक वानर का उद्धार किया और साल्व का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया, दंतवक्त का उद्धार किया। भगवान आगे बढ़े, पौंड्रक का वध किया। और एक दिन भगवान अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं तो नारद जी के मन में आया कि चलो देखिया में भगवान रहते कैसे हैं अपने घर में। तो नारद जी देखने आए। चित्रम बतेक देखेन बपुषा युगपत पृथक ग्रेसु साहस्त्रम स्त्रियम एक उदावहत। नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान अपने 16000 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। तो एक दिन नारद जी ने वीणा लिया और वीणा बजाते हुए एक बार करतल बर वीणा हरि गुण गावत गान प्रवीणा। एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए आए और आकर के नारद जी ने बड़े भाव के साथ भगवान के भाव को देखा। अब भगवान के 16108 भवन है। कितने? 16108 भवन। और प्रत्येक भवन में भगवान अपने पत्नी के साथ विराजमान है। अब आप कहेंगे भगवान प्रत्येक भवन में कैसे? भाई एक ही नंदलाल के अनेक रूप देखिए। जैसे आप खड़े होते हैं तो आपकी परछाई दिखती है ना। ये परछाई कौन है? ये परछाई हमारे भगवान ही तो हैं। हैं? जब आपका प्राण निकल जाता तो परछाई क्यों नहीं दिखती? वो परछाई कहां जाती है? बोले परछाई जो भगवान आपके साथ चल रहा था वो आपका साथ छोड़ करके चला गया। तो एक ही साथ अनेकों जगह भगवान रह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, जब हर जगह रहते हैं तो 16000 भवन में अगर भगवान रह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा,
नारद जी ने तीन महीने तक भगवान की लीला को देखा। भगवान कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं गौ पूजन कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं, और कहीं भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, कहीं संतों की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अपने प्रत्येक घर में, प्रत्येक जगह अपने अपने परिवारों के साथ विराजमान हैं। तीन महीना बीत गया नारद जी को, और तीन महीने के बाद नारद जी ने कहा, प्रभु आजकल पांडवों ने एक नगर बसाया है, उस नगर का नाम है इंद्रप्रस्थ। महाराज आप चलिए, और चल करके इंद्रप्रस्थ में महाराज पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराइए। तब तक एक दूत दौड़ा दौड़ाया, कृष्ण कृष्ण प्रेमायत्मन प्रपन्न भय भंजनम वयम त्वाम शरणं यामो भवभीताः प्रदग्धयः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अभयात्मन, हे शरणागत के दुख भय को दूर करने वाले, हम आपके शरण में हैं। आज हम भेद बुद्धि से डर रहे हैं। महाराज जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, और अगर आप नहीं जाकर के बचाए तो महाराज वो जरासंध सभी को मार डालेगा। भगवान बोले, आऊंगा। उद्धव जी मुस्कुरा करके बोले, प्रभु एक ही दिन में दो दो जगह कैसे जाओगे? तो भगवान ने कहा, तब क्या किया जाए? तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि एक ही साथ दोनों जगह पहुंचा जाए। तो कहा, कैसे? तो कहा, पहले चलो राजसु यज्ञ में। भगवान आए राजसु यज्ञ में। युधिष्ठिर जी से पूछा, ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा, क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भवस्तत् संवादय न प्रभो। इस समय में जो यज्ञ कराना हूं, इस यज्ञ का नाम है राजसू यज्ञ। बोले, इसका मतलब क्या होता है? बोले, जब सभी राजा अपने अधीन हो जाते हैं, उस समय जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ का नाम क्या है? राजसू यज्ञ। अच्छा, तो क्या महाराज सारे राजा आपके अधीन हो गए हैं? वहां कहा, कैसे? तो कहा कि सहदेव ने दक्षिण दिशा को जीत लिया है, नकुल ने पश्चिम दिशा को जीत लिया है, अर्जुन ने उत्तर दिशा को जीत लिया, भीम ने पूर्व दिशा को जीत लिया है। अब तो चारों दिशा हमारे कब्जे में है। तो कहा महाराज, लेकिन अभी एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, और जब तक जरासंध को आप नहीं जीतोगे, तब तक आपका जीत माना नहीं जाएगा। तो बोले महाराज, जरासंध के पास हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरियां, इनकी जरूरत नहीं है। जरासंध के पास केवल भेष बदल के जाया जाएगा, और उनकी प्रशंसा करनी होगी, उसके बाद द्वंद्व युद्ध मांग लिया जाएगा, उसमें जरासंध को मार दिया जाएगा। गए और जाकर के महाराज भगवान भीम, भगवान कृष्ण ने रूप बनाया ब्राह्मण का, अर्जुन ने रूप बनाया ब्राह्मण का, भीम ने रूप बनाया ब्राह्मण का, जरासंध के यहां जाकर के पहुंच गए। जरासंध की राजधानी कहां है? बोली, गिरिब्रज। कहां है? गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज में ये पहुंचे, और जाकर के जरासंध की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण कहने लगे कि किं देयं वदन्यानां कह पर समर्दिसानां। एक बात बता दूं राजन, उदार व्यक्ति के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता। भाई जो दान करने वाला है, वो तो अपने प्राण भी दान दे देगा, और जो कंजूस है, उसके पास अरबों की संपत्ति रहेगी तो भी देने वाला नहीं है। महाराज, आपके जैसा दानी कौन हो सकता है? जरासंध ने कहा कि अब आप जो मांगना चाहते हैं हमसे मांग लीजिए। तो कहा, अगर देना चाहते हो ना, तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद सो यदि मन से युद्धार्थिनो वयम प्राप्त राजन्यानान कांक्षिण। अगर देना चाहते हो
तो हम में से किसी एक के साथ युद्ध करो। आप जरा संध घबराया कि हे भगवान, ये ब्राह्मण देवता कब से युद्ध करने लगे। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण युद्ध करता है कि रोकता है जी? ब्राह्मण का काम युद्ध करना है कि रोकना है? आपने सुना होगा कि जब विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए तो उन्होंने कहा कि अब अगर धनवा ले संग्राम करूं तो यज्ञकार सब खंडित है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जरा संत ने कहा कि सच सच बताओ, आप दोनों, आप तीनों हो कौन? तब तक भगवान हंसे, कहा हमको तो लगता है कि तुम कृष्ण हो। भगवान ने कहा ठीक पहचाना, हम कृष्ण ही हैं। तो कहा तो भगवान ने कहा तुमने वचन दिया है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो जरा संत ने कहा अयम ना तु बयास तुल्लो नाति सत्तो न मे सम अर्जुनो ना भवेद योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। आज अगर मैं किसी के साथ युद्ध करूंगा तो हे कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको हमने एक बार हराया है। भगवान बोले बताओ इसको, 27 बार हम हराए तो कोई बात नहीं, एक बार हम गलती से भाग गया, ये कह रहा हमने आपको हराया है। तो कहा तो अर्जुन से लड़ जाओ, गांडे उधारी हैं। बोले चुप रहो, इनसे भी नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों नहीं लड़ोगे? कहा एक बार ये उर्वशी के श्राप के कारण ब्रह्मला बन गए थे। उर्वशी को जाकर के इन्होंने देखा, उर्वशी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं। उर्वशी को इन्होंने माँ कह दिया, बस उसने इनको श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मला हो जाओ। अब ब्रह्मला माने जानते होंगे, है ना, समझ गए? ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, मोटर में, शादी ब्याह में ढोल बजा करके मांग लेते हैं, समझ गए? तो कहा कि अगर मैं अर्जुन से लड़ूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि अगर बहुत बड़े पहलवान होते तो किसी पहलवान से लड़ते, ब्रह्मला से काहे लड़ने जा रहे। तो कहा तो अगर हमारे समान कोई योद्धा यहाँ पर है तो भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम ही बलवान है। अब भीम ऐसे मुस्कुरा करके अर्जुन को देखे, सुना तुम गांडे उधारी बनते हो लेकिन तुमको छोड़ दिया कृष्ण, तुम तो अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी बनते हो लेकिन तुम्हें छोड़ दिया, हमसे लड़ेगा। भगवान उठा करके दे देते, और भीम का गदा गिर जाता है तो जरासंध उठा करके दे देता। और प्यारे दिन भर युद्ध चलता और शाम को सब जाकर के एक ही तंबू में आराम करते, विश्राम करते, एक साथ भोजन करते। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे ही व्यवस्था चलता रहेगा तो युद्ध कभी कोई जीत पाएगा? अरे भाई, युद्ध तो तब जीता जाता है कि जब आपका शस्त्र गिरे हम आपको मार दें, हमारा शस्त्र गिरे आप हमको मार दीजिए। लेकिन नाम नोट करा देना, इस तरह से नहीं निकला। भीम आए आकर के बोले कृष्ण, अब या तो कह दो हम युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाएं या तो वीर गति को प्राप्त हो जाए। ऐसा काहे कह रहे हो? अरे कहा कि जरासंध इतना कठोर मुक्का मारता कि महाराज हड्डी हड्डी टूट जाया करता है। तो कहा तब देखो, आज जब युद्ध में जाना तब हमारा व्यवस्था, हमारी बात को ध्यान में रखना। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम मुझे देखते रहना, और मैं जैसे ही तिनका चीरूंगा बस उसी समय तुम जरासंध का पांव पकड़ करके चीर देना, और ध्यान रहे ऐसे जगह पर फेंकना जहां पर बीच में शिवलिंग पड़ता हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि अगर शिवलिंग नहीं पड़ेगा तो इसका शरीर जुड़ जाएगा और ये दोबारा कभी मारा नहीं जाएगा। तो महाराज गए, अब भीम ऐसे करके देख रहे हैं, और तब तक भगवान ने तिनका चीरा, और जैसे भगवान ने तिनका चीरा, गृहीत्वा पादपो शत्रु पातयामास भूतले, एक पांव पर रखा पांव और दूसरे पांव को पकड़ करके चीर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध मारा गया, 20,000 राजाओं को भगवान ने बंदी जो बनाया हुआ था जरासंध ने, उनको मुक्त किया। तो राजा कहने लगे
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपने जरासंध की जेल सुत मुक्त कर दिया, लेकिन अब एक कृपा और कर देते, संसार की जेल से भी मुक्त कर देते तो आनंद आ जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने उन राजाओं के ऊपर कृपा की और उसके बाद आए यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब देखिए कितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं। द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतो गौतमोषिता वशिष्ठ चमना कणवो मैत्रेय कवतस्त्रतः। वैशंपायन, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, अशिष्ट, वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, तमाम महात्माएं हैं। तो अब ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो उस पूरे महाभारत में अगर सबसे ज्यादा कोई विद्वान था ना भैया, तो सहदेव थे। कौन थे? सहदेव। सहदेव ने कहा कि मेरे विचार से इस समय पूजा का अधिकारी तो कृष्ण है। और तब तक शिशुपाल वहां से उठ करके भागा। तो बोले भैया काहे भाग रहे हो? अरे कहा कि इतने बड़े बड़े राजा जहां बैठे हो, इतने बड़े बड़े मुनि जहां बैठे हो, ऋषि जहां बैठे हो, राजा महाराजा जहां बैठे हो, वहां ये ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे बन सकता है? अरे इसके न जात का पता, न कुल का पता, न खानदान का पता। कोई यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता है। सदस पत्नी क्रम्य गोपाल कुल पांसन यथा का कह पुरोडासम सपर्या कथम रहती। क्या कौआ भी कभी पुरोडास का भागी हो सकता है? अब इसके बाद ये लगा गाली देने भगवान को। ध्यान दीजिएगा, शिशुपाल भगवान को गाली देता जा रहा और भगवान मुस्कुराते जा रहे। अर्जुन ने हाथ में धनुष बाण उठाए, बोले मार डालूंगा तुरंत। भगवान ने कहा अर्जुन मत मारो, गाली देने दो। अरे महाराज, अब आपको गाली देगा और आप कह रहे हैं कि चुप हो जाओ। कहा मैंने इसकी माता जी को वचन दिया है कि 100 गाली तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, 101 होगा तब तो कुछ कहूंगा। एक बात बोलूं, सहने का भी एक क्षमता होना चाहिए। एक तरफ कोई आपको कहे झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, मैं भी कहता हूं कि रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ध्यान दीजिएगा, रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन अगर कोई बार बार आपको ही झुकावे तो रुक जाओ। क्योंकि भाई एक ही व्यक्ति क्षमा मांगे, एक ही व्यक्ति हमेशा झुके। अगर गलती दोनों की है तो दोनों क्षमा याचना करें। अब एक व्यक्ति बेचारा चरणों में झुक करके क्षमा मांगे, दूसरा उसके ऊपर जा करके बार बार उसको सताए, रुलाए, परेशान करे, तब तो ये अच्छा बात नहीं है, है ना? तो भगवान कहते हैं कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके तीन नेत्र था, तीन सिर था और तीन पैर था। इसको ये हुआ कि बहा दिया जाए और तब तक आकाशवाणी हुई, शिशुपाल मारे नहीं, पाले, इसको मारिए नहीं, इसको पालिए। और इसी आकाशवाणी ने इसका नाम क्या रख दिया? शिशुपाल। क्या नाम रख दिया? शिशुपाल। और इसकी माता का नाम था श्रुतसर्वा। तो आज श्रुतसर्वा ने बड़े प्रेम के साथ अपने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने शिशुपाल को गोदी में लिया हुआ है तो रो करके बोली कि हे कृष्ण, आपके गोद में आने से इसका जो शरीर था एक अच्छे इंसान की भांति हो गया। इसका जो अधिक पांव था, अधिक कान था, अधिक नेत्र था, अधिक सिर था, सब हट गया। तो एक वचन दो कृष्ण। भगवान ने कहा क्या? कहा आज के बाद अगर ये कोई भी गलती करे तो इसको कुछ कहना मत। भगवान ने कहा बुआ वचन देता हूं 100 गाली तक तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और अगर 100 से एक होगा तो बख्शूंगा नहीं। अब आज ये भगवान को गाली पर गाली देता जा रहा है।
बोला मानी चल अभिमानी, ज्यादा पानी है चढ़ा नहीं, नाचा है सदा गोपियों संग, वीरों से पाला पड़ा नहीं। ये वेद शास्त्र का ज्ञाता है, वीरों का स्वरूप कहता है, ये नीच जहां पर जाता है वहां झगड़ा करके आता है। लगा भगवान को गाली देने, अब भगवान को आया क्रोध। शीश उतारा चक्र से, धरन गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में, गई गगन तत्काल। प्यारे बाबा सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे भगवान ने चक्र से इसका शीश उतारा, प्यारे इसकी ज्योति जाकर के भगवान में समाहित हो गई। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो इसमें दुर्योधन जो थे इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? कोषाध्यक्ष। अरे भाई जो ज्यादा पैसे वाला होता है उसी को तो कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। बोलो हाँ जी कि ना जी, क्योंकि घटने बढ़ने पर थोड़ा बहुत थाम लेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? कोषाध्यक्ष। अच्छा, अब इसके बाद कर्ण क्या करते थे? बोले दान करते थे। कर्ण दान क्यों करते थे? बोले कर्ण के पास अक्षय पात्र था, जितना निकालते उतना शाम को भर जाता, तो इस नाते ये क्या करते, दान की व्यवस्था में आ गए। सहदेव अतिथियों का स्वागत करते, अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते, द्रौपदी भोजन बनाती, भीम परोसने का काम करते। अब एक काम बच गया। बोले कौन सा? बोले सबके पांव को धोना, पत्तल उठाना। अब आप सभी लोग बैठे जरा ध्यान से सुनना, आजकल थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग अभिमान में भर जाते हैं, लेकिन कथा को सुन करके जरा विचार करना कि आज भगवान की महिमा देखिए कि जो काम किसी ने नहीं लिया वो काम मेरे कृष्ण ने ले लिया। पत्तल उठाने का और पांव धोने का कार्य ये मेरे भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कार्यक्रम सभी रिश्तेदारों को विदा करवा करके अपने भी द्वारिका जाने लगे। युधिष्ठिर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया कि दुर्योधन देख करके भीतर ही भीतर जल भून गया। बताओ इतना बड़ा यज्ञ कर डाले, इतना बड़ा यज्ञ कर डाले, इतना बड़ा यज्ञ कर डाले, बताइए। अब ये मन ही मन जल रहा है, भून रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, है ना? और उसी समय मैदानों के द्वारा बनाया गया था एक स्थान, उस स्थान का नाम था इंद्रप्रस्थ। उस इंद्रप्रस्थ में जल में थल का भ्रम होता था और थल में जल का भ्रम होता था। अब दुर्योधन यज्ञ की समाप्ति के बाद इधर उधर देख रहा है और देखते देखते अचानक जाकर के एक दीवाल से टकराया। माता द्रौपदी ऊपर बैठी हुई थी, उसने मुस्कुरा करके कह दिया अंध कस्य अंध, अरे अंधे की औलाद है अंधा ही तो रहेगा। अब दुर्योधन को लगा मुझे अंधा कहा। शकुनी मामा के पास गया, मामा आज तेरे भांजे का अपमान हुआ है व्यक्तिगत। शकुनी मामा ने जुए का पास फिकवाया, राजपाट दांव पर लगा, द्रौपदी दांव पर लगाई गई। और प्यारे जब द्रौपदी दांव पर लगाई गई, पासा ऐसा चला गया कि द्रौपदी हार गई। प्यारे दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन, जाकर के द्रौपदी का केस पकड़ करके खींच करके लाना और मेरी जंघा पर बैठा देना। दुर्योधन आदेश दिया दुशासन गया है। शास्त्र में लिखा है कि जिस समय दुर्योधन गया ना भैया,
उस समय द्रौपदी माँ का रजो धर्म चल रहा था। पांचवा दिन था, स्नान करके बाल सुखा रही थी और तब तक पीछे से हाथ पकड़ा। द्रौपदी माँ ने कहा कि अरे दुशासन, ये तो क्या कर रहा है? तो दुशासन ने कहा कि तेरे पांचों पति हार गए हैं तुझे जुए में, मैं तुझे लिवाने आया हूं, चल और चल करके दुर्योधन की जंघा पर बैठ जा। द्रौपदी माँ ने कहा रे ओ जटायु, जब सीता माँ के चरित्र को हनन करने के लिए रावण आया था, अपहरण करने के लिए आया था, उस समय एक पक्षी आया था, लेकिन हे भगवान, क्या आज कोई पक्षी भी नहीं जो मेरी रक्षा कर सके? क्या आज सारे पक्षी भी मर चुके हैं? दुशासन लेकर के आया और पटक दिया द्रौपदी को। द्रौपदी, तूने मुझे अंधा कहा था ना, तो बैठ जा मेरी जंघा पर, कौन मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तो अंधा हूं ना, ये शब्द दुर्योधन के थे। द्रौपदी माँ की सिंह गर्जना हुई, दुर्योधन उस दिन मैंने अंधा कहा था, तूने सुना था और तेरे अंधे मामा ने सुना था, लेकिन दुर्योधन आज मैं कहती हूं तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरी माँ अंधी, और इन अंधों के बीच में बैठा हुआ ये पितामह अंधा, ये गुरु द्रोणाचार्य अंधा, और इन अंधों के बीच में बैठे हुए मेरे पांचों पति अंधे, लेकिन दुर्योधन मेरी लाज जाने नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इन अंधों के बीच में भी एक आंख वाला है। और इतना कह करके माता द्रौपदी के दोनों हाथ ऊपर उठ गए, खींच, आज मैं भी देखती हूं कि मेरी लाज जाएगी या मेरे कृष्ण की लाज जाएगी। हे कृष्ण द्वारिका वास देव देव जगत पते, हे कृष्ण, हे द्वारिका वास, आज मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज बचाने आ जाओ। और द्रौपदी मैया ने हाथ ऊपर करके कहा, आज खींच दुशासन सारी, जल्दी आओ बनवारी, मेरी लाज गई गिरधारी कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, शासन सारी जल्दी आओ बनवारी, आज खींच दुशासन सारी जल्दी आओ बनवारी, मेरी लाज गई बनवारी कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ मेरी लाज बचा लो भैया, आ जाओ कृष्ण कन्हैया, मेरी लाज बचा लो भैया, इस वक्त है तुमसे कहना संकट में तेरी बहना, इस वक्त है तुमसे कहना संकट में है तेरी बहना, आज लाज गिरधारी कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि
भैया जल्दी आना, बहना की लाज बचाना। ओ मेरे भैया जल्दी आना, बहना की लाज बचाना। इस वक्त जो ना आओगे मुझे जीवित ना पाओगे, इस वक्त जो ना आओगे मुझे जीवित ना पाओगे। मेरे भैया जल्दी आना, मेरे भैया जल्दी आना, मेरे भैया जल्दी आना। और जैसे द्रौपदी माँ ने पुकारा, आहा, आज भगवान का एक अवतार हो गया वस्त्रावतार। कौन सा अवतार हो गया? वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र बन करके आ गया। अब दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। संतों ने नापा साड़ी कितने किलोमीटर का था, बता दूं? 2000 किलोमीटर की साड़ी संतों ने नापी। अब आप लोग बैठे हैं, बताऊं क्यों भगवान ने ये साड़ी बढ़ाया? बोले जब शिषपाल को भगवान ने मारा ना, तो भगवान अपने चक्र को साफ करने लगे, उंगली कट गई। और जब उंगली कट गई तो भगवान ने अपने उंगली के बहते हुए रक्त को दिखा करके कहा, अरे कोई वस्त्र लेकर के आओ, मेरे रक्त को बहने से रोको। भगवान की सारी पत्नियां दौड़ गई, सब वस्त्र ढूंढ रहे, लेकिन किसी को वस्त्र नहीं मिला। द्रौपदी माँ ने साड़ी पहना था सुंदर सा, उस साड़ी को उन्होंने आव देखा न ताव, तुरंत फाड़ दिया। कृष्ण ने कहा, अरे बहन इतनी साड़ी कायों को फाड़ दई? तो द्रौपदी की आंख में आंसू आ गया। यदि काम आवे घनश्याम तो चीर दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर आपके काम में आ जाए ना तो इन नसों को चीर करके दे दूंगी, ये तो केवल रेशम के धागे हैं। ये धागे भी अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। अरे बाकी साड़ियां तो दुर्भाग्यशाली हैं, सबसे भाग्यशाली तो वो है जो आपकी उंगली पर लगे हैं। और इन कपड़ेन को कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दूल्हा के पागे हैं। ये दुल्हन का जोड़ा नहीं है, ये दूल्हे की पगड़ी नहीं है। कृष्ण ने कहा, बहन आज तुमने मुझे दो अंगुल की साड़ी फाड़ करके दी है ना, कि तेरा भाई तुझे वचन देता है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो 2000 किलोमीटर की साड़ी मांग लेना तुम हमसे। और प्यारे आज भगवान चीर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। थक गया दुशासन, गस खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। आप लोग कथा सुन रहे तो एक बात और आप सभी को बता दूं। एक बार दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, ठंडी का समय पौष का महीना, उनका वस्त्र पानी में भीग गया और जल का धार इतना था कि उनकी लंगोट पानी में बह गई। अब दुर्वासा जी ने देखा कि द्रौपदी वस्त्र साफ कर रही है। दुर्वासा जी ठंड से कांप रहे। द्रौपदी ने कहा, बाबा आप कांप क्यों रहे, बाहर क्यों नहीं आ जाते? बेटी क्षमा करना, आज मेरा लंगोट पानी में बह गया है, मैं कैसे बाहर निकलूं? द्रौपदी ने कहा, बाबा जब आपने मुझे बेटी कहा तो आप अपनी बेटी के सामने बाहर क्यों नहीं आ सकते, आ जाइए। कहा, बेटी लोक लाज की मर्यादा है, मैं बाहर नहीं आ सकता। तो द्रौपदी ने अपने 8 अंगुल की साड़ी फाड़ी और कहा कि बाबा अपनी लंगोट बना लो। दुर्वासा जी के दोनों हाथ ऊपर उठ गए और कहा, बेटी जैसे आज तूने मेरी मर्यादा का लाज रखा है, वैसे भगवान तेरी मर्यादा बचाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया है। आप सब कथा सुन रहे हैं। उसी दिन भीम ने संकल्प किया कि दुर्योधन, अगर मैंने तेरा जंघा नहीं तोड़ा तो मेरा भी नाम भीम नहीं है।
और उसी दिन से महाभारत का बिगुल बज गया। बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ भैया आप तो जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप भी नहीं रहोगे और मैं भी नहीं रहूंगा तो युद्ध का परिणाम बड़ा भयानक हो जाएगा, इस नाते मैं नहीं जा सकता, मैं तो रहूंगा। और प्यारे इतना विशाल युद्ध हुआ, बलराम जी चले गए तीर्थ में। यमुना मनो यान्नेव गंगा मनुच भारत जगामने में समयत्र रस्यम सत्र भासते है। चलते चलते बलराम जी पहुंच गए नैमि सारण में। कहां पहुंच गए? नैमि सारण में। 88,000 ऋषि जहां पर बैठे हुए हैं। प्यारे ध्यान से सुनिएगा। वहां देखा कि रोम हर्षण जी कथा सुना रहे, तो बलराम जी के आंख में आंसू आ गए। बताओ इतने बड़े ब्राह्मण बैठ के कथा सुन रहे हैं और ये एक शूद्र होकर के कथा सुना रहा है। बस कुशाग्रेण भवितातम कर अस्थेना हनत प्रभु। बलराम जी ने रोमहर्षण जी को कुश से मार डाला। और जब रोमहर्षण जी मर गए तो ऋषियों ने कहा कि अरे बलराम ये क्या कर दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकराशिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता, कोई बल में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन दुनिया में वो बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। हमने तो इसके ज्ञान के नाते इसको गद्दी पर बैठाया था। तो बलराम जी बोले आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इत वेदानुशासनम। वेद का वाक्य है कि पुत्र आत्मा के समान ही होता है। इस नाते जिस गद्दी पर ओम हर्षण जी बैठ करके कथा कहते थे, आज के बाद इस गद्दी पर सूत जी बैठ करके कथा कहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी बैठ के कथा कहेंगे। तो बोले बलराम एक प्रायश्चित कर लो। क्या? यहीं पर एक राक्षस है इलबल का पुत्र बलबल, उसको मारो और एक महीने का चंद्रायण व्रत करो। तो बलराम जी ने इलबल के पुत्र बलबल को मारा और एक महीने का चंद्रायण व्रत किया, तब जाकर के उनका जो दोष था वह समाप्त हुआ। और एक बात बता दूं आप सभी को, पेट में लेटे वो लेटे मही जननी संग लेट के बाल कहाए, ज्वान भय इवती संग लेटे लेटत लेटत उमरी गवाए। छीर समुद्र के लेटन हार को ध्यान कब उचित में नहीं लाए, और लेटत लेटत लेट रहे चिताऊ में लेटन के दिन आए। व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, जन्म के पहले अपने माता के पेट में लेटता है। बोलो हाँ या ना। जब बच्चा छोटा रहता कहाँ लेटता है? माता के पेट में लेटता है। और जब वही बच्चा धरती पर गिरता है तो धरती पर लेटता है, और बाद में जब विवाह हो जाता है तो पत्नी के साथ लेटता है। जिंदगी बीत जाती है पत्नी के साथ रहते रहते, लेकिन उस भगवान की याद नहीं आती जो क्षीर सागर में लेट रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन उस क्षीर समुद्र में लेटने वाले को याद कर लो ना भैया, तो मैं समझता हूं कि आपका पूरा जीवन धन्य हो जाया करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार उसको याद कर लो जो क्षीर सागर में लेटता है। बाबा कहते हैं दंत वक्त्र का वध हुआ, विदुरथ का वध हुआ। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु सिरस्ति तस्यो भय लिंगमान में तदे तद पश्यत तदचक्षु अंगान विष्णु रथ तद जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। प्रभु आपके मुख से जो कथा सुनने को मिल रहा है उस कथा को सुनने से हमारा जीवन धन्य बन गया है। और सच बताऊं श्री गुरुदेव जी, बाड़ी नेत्र सिर वही सार्थक हैं जो भगवान से जुड़ जाए। बोलो हाँ या ना। बाड़ी जब भी निकले तो केवल अच्छे बात को बोलने के लिए निकले। बोलो हाँ जी कि ना जी।
सिर जब भी झुके तो केवल गोविंद के चरणों में झुके या बड़ों के चरणों में झुके, नेत्र जब भी देखें तो केवल भगवान को देखें, सारे जग को रचने वाले कब तेरा दर्शन होगा, जब तेरी रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। बोलिए, जब एक मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति इतनी सुंदर हो जाती है, हाँ जी कि ना जी, आप मंदिरों में जाते हैं तो उस मूर्ति को किसने बनाया हुआ है? किसी मूर्तिकार ने, उसने रंग लगाया, रोगन लगा दिया, चंदन टीका कर दिया तो मूर्ति बड़ी सुंदर हो गई। तो जब एक मूर्तिकार के द्वारा बनाई मूर्ति इतनी सुंदर होती है तो जरा सोचो, जिसने इस जगत को रचा है वो कितना सुंदर होगा। बोलो हाँ जी कि ना जी, होगा कि नहीं होगा? तो प्रभु आज कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे मेरा मन गोविंदमय हो जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र की कथा सुनाऊंगा। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, नाम था, जोर से बोलो, हाँ जी, क्या नाम था? सुदामा। केवल मित्र नहीं थे, ब्राह्मण थे। केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मविद्मा, ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, प्रसन्न आत्मा। अच्छा एक बात बताइए, आज जितने लोग बैठे हैं सबके घर में टीवी सेट है, बाल्टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, रिमोट दो चार सेट है, मोबाइल कई सेट है, हाँ जी कि ना जी? लेकिन आज जिसका देखो उसका दिमाग अपसेट है, सबका दिमाग अपसेट है। एक दिन एक बाप अपने बेटे से कह रहा, बेटा पढ़ो। बोले, चुप रहो, अभी हमारा दिमाग अपसेट है। अब बताओ, 2 साल के बच्चे का दिमाग अपसेट, 5 साल के बच्चे का दिमाग अपसेट, नई बहू आई उसका दिमाग अपसेट, बुढ़वा का दिमाग अपसेट, बुढ़िया का दिमाग अपसेट, तो घर आ कैसे चलिए भैया? जब सबके दिमाग अपसेट रही तई घर के चलाई है, रउआ लोगन बताई के चलाई ये घर है? क्यों चला सकेला? घर चलाने के लिए एक व्यक्ति का तो माइंड सेट होना चाहिए, और जब सब अपसेट रहेंगे तो बिगड़ने वाले को समझाएगा कौन हो? तो प्यारे, ये जो सुदामा जी हैं, इनके घर में जो चूल्हा है इस पे कभी अन्न नहीं पकता, इनके पास एक धोती है जो 20 जगह से फटी हुई है, इनके पास एक झोपड़ी है जिसमें अगर बारिश हो ना तो एक भी बूंद पानी इधर उधर नहीं जाएगा। सुदामा जी के पास एक बाल्टी है जो फूटी हुई है, रस्सी है उधड़ी हुई है, लाठी है फटा हुआ है, लेकिन एक बात बताऊं, प्रशांत आत्मा, एकदम प्रसन्न है, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया है। आज ये मंदिर में बैठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे थे, तब तक सुशीला आई है। तम पहि महाभाग साधुनां च परायणां दास्यसि दुर्विणं भूरि सीदिते ते कुटुम्बिने। एक बात आपसे कहूं, आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण, आप उनके यहां क्यों नहीं चले जाते? सुदामा ने कहा कि देवी क्यों चला जाऊं? कहा जाओगे
तो राजा हैं अंधक भोज बिष्णी के अधिपति बनकर के द्वारिका में विराजमान है ना, एक बार जाओगे तो बहुत कुछ दे देंगे। सुदामा ने कहा सुशीला क्यों? कहा आज मैं सो रही थी, मेरा छोटा सा बेटा आया, आकर के मुझसे बोला माँ आज मुझे बड़ी भूख लगी है। तो मैंने कहा कि बेटा आज भोजन ना करे हो जाए, आज तो एकादशी है। तो बच्चा मुझसे बोला कि माता जी एक महीने में दो एकादशी पड़ती है, लेकिन हमारे घर क्या हर महीने में महीने के दिन एकादशी पड़ती है? तो सुशीला ने कहा कि बेटा गरीब के घर जब तक भोजन की व्यवस्था नहीं हो जाती ना, तब तक उसके घर एकादशी रहता है, और जिस दिन भोजन मिल गया उस दिन क्या हो गई? द्वादशी हो गई। आज एक छोटा सा बच्चा आया, माँ हम तो दूध पीते हैं, हमको दूध पिला दो, मैं दूध के बिना नहीं जी पाऊंगा। तो माँ ने कहा बेटा जब कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं तो तुझे दूध कहां से पिला दूं, मैं नहीं पिला सकती दूध तुझे, इसलिए कहती हूँ कि एक बार आप चले जाते द्वारिका तो बहुत कुछ मिल जाता। सुदामा ने कहा सुशीला आज गरीबी में तू भी मेरा साथ छोड़ रही है। सच ही कहा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, धीरज धर्म बंधु अरुणा, धीरज धर्म पहली पहचान होती है आपकी धीरज की। ध्यान देना, आपका धीरज कहीं खो तो नहीं जा रहा है? जब कष्ट आवे तो किससे काम लेना चाहिए? धीरज से काम लेना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो किसी का नौजवान बेटा दुखी हो या किसी का पति मर जाए और पत्नी के सामने चार बच्चे हो, तीन बच्चे हो, और वो बेचारी धीरज ना रख पावे जाकर कि वो भी आत्महत्या कर ले, तो बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा? ईमानदारी से बताओ, तो उस समय क्या रखना चाहिए? धीरज रखना चाहिए। और जब आपके बुरे दिन आवे तो अपने धर्म को याद रखना चाहिए। आपको बताऊं, जब सीता को रावण हरने के लिए भिक्षुक का रूप बना करके आया, लक्ष्मण जी ने मना किया था कि सीता रेखा को पार मत करना, लेकिन सीता जी जब रेखा पार करने लगी तो किसी ने कहा रे ओ जानकी, जब लक्ष्मण ने मना किया था रेखा पार मत करना तो क्यों कर रही हो? अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी ने कहा कि जिस धर्म की रक्षा हमने की है वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब आप बताइए, रावण के पास तलवार था, रावण के पास बाहुबल था, लेकिन क्या सीता जी को अपनी पटरानी बना सका रावण? बोलिए, एक तिनके से डर जाता था रावण, किसके बल पर? धर्म के बल पर। इस नाते मनुष्य को धर्म का परीक्षा कब लेना चाहिए? बोले विपत्ति के समय। हमने जो पूजा किया है, पाठ किया है, वो हमारा लाभ करेगा कि नहीं, ये परीक्षा कब होगी? जब आपकी विपत्ति का दिन आएगा। बंधु, एक बात बोलूं, आपके सुख में आकर के गोलगप्पा खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, ये आपके हितैषी नहीं है। कई लोग कहते हैं हम आपके लिए अपना खून बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे, लेकिन जब उनसे कह दो कि भैया खून नहीं, थोड़ा सा पसीना बहाना है, तो कहते हैं अभी भैया 10 मिनट के लिए खलीलाबाद जा रहा हूँ, 10 मिनट बाद कहते तो काम कर देता, अभी अभी जल्दी से काम है हमारा आ गया, नहीं तो महाराज आपे का काम पहले करता। बोलो हाँ।
तो जिस समय विपत्ति आवे उस समय मित्र को बंधु को देखो कि वह किस हिसाब से आपके साथ पेश आता है। और नारी अगर विपत्ति के समय में नारी पति को छोड़ करके चल जाए तो पति व्रता नहीं है, वो उल्टा नारी है, गणिका है, वैश्या है, जो अपने पति को दुख के दिनों में छोड़ करके चली जाए। सुदामा ने कहा, सुशीला आज तो मुझे मांगने के लिए कह रही है, तुझे पता है कि मांगन गए सो मर गए, जो कछ मांगन जाए और उनसे पहले वो मरे, जेहि मुख निक सतना। पहले तो वो मर जाता है जो किसी से कुछ मांग लेता है, और अगर अगले ने कह दिया कि भैया हमारे पास नहीं है ना, तो समझ लेना कि आप तो बिल्कुल मर गए, और वो भी मर गया जिसने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप जाइए जाकर के अपने भगवान का दर्शन तो कर आइए। सुदामा ने कहा कि सुशीला अगर ये बात कहती है तो दर्शन करने जाऊंगा, और रह गई धन की बात, किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, भगवान का साम्राज्य जो मनुष्य के भीतर है, तो उसे धन की जरूरत है क्या? बोलिए, बॉडी इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, जब ये शरीर ही भगवान का मंदिर है तो भगवान से मांगने की जरूरत है क्या? और यहां नहीं है क्या? सुशीला जा तो रहा हूं, गुरु वैद और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन दो मिले हो न पूरण काज। गुरु के घर जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ, मित्र के घर जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ, ज्योतिषी के घर जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ, मंदिर में पूजा करने जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ, राजा के घर जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ, क्योंकि आजकल अधिकारी के जेब में जब कुछ जाता है तो काम पहले होता है। हाँ जी कि ना जी? अब अगर कहते साहा, ठीक है ठीक है ठीक है, और अगर कहीं पांच पांच हजार की दुई गड्डी जेब में रखा, साहब जरा देख लेना, फिर देखो काम होता है कि नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, है ना? तो आजकल राजा के घर जाओ तो बिना कुछ लिए न जाओ। सुशीला या चित्रवा चित्रो मिष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, चार मुट्ठी चावल बांध करके लेकर के आई, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने उस चावल को लिया और लेकर के चल पड़े। चलते चलते एक नदी के तट पर आए और वहीं आकर के कहने लगे कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो निराश लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब तो निराश लगती है। हे कन्हैया, मैं तुम्हारी द्वारिका कैसे आऊं? और तब तक सुदामा जी देख रहे हैं, रात हो गया, दो बज गए हैं रात के, अब नदी में इतना जल भरा हुआ है कि उस पार कैसे जाएं? और तब तक सुदामा जी बुला रहे, अरे भैया कोई केवट है का, मोकुआ पार जानो है, अरे भैया कोई मोकू पार कर देगो, मोकुआ पार जानो है, अरे भैया मैं ले चले गो का, मैं तोते कह रहे हो, भैया मोकू पार कर दीजो। 2 बजे रात में कोई केवट आएगा नदी के घाट पर? क्यों भैया, 2 बजे रात में कोई केवट नदी के घाट पर आएगा क्या? नहीं। सुदामा बोले, ए भैया तेरी मर्जी, तू चाहे तो पहुंचाइयो और तू चाहे तो डुबइयो, अब तो तेरे दरबार में खड़े हैं, अब हम कुछ नहीं जानते। इतना कह करके सुदामा जी जैसे बैठे तैसे पीछे से आवाज आई, अरे भैया अगर काहू के व्यापार जानो होए तो आएकर मेरी नौका में बैठ जाइयो। सुदामा बोले, भैया भैया मैं व्यापार जानो है,
मैं वहां पार जाऊंगा। हे पंडित जी, पार तो कर दूंगा पर रात की उतराई थोड़ी महंगी लगती है। सुदामा बोली, भैया चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, हम तो कछु ना दे सके, क्योंकि मेरे पास कछु है ना, तो देंगे कहां थे। सुदामा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा, पंडित जी झूठ बोलते हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अपनी दरिद्रता हमको दे दो, हम तुम्हें पार कर देंगे। सुदामा जी रोने लगे, भैया सब कुछ मांग लो पर दरिद्रता मत मांगो, क्योंकि अगर आज मैं राजा होता तो माला हाथ में नहीं होता, आज मैं दरिद्र हूं इसी नाते भगवान का नाम ले रहा हूं, ये दरिद्रता नहीं दे सकता। भगवान ने तुरंत उनकी दरिद्रता को लिया, उनके माथे पर लिखा था श्री क्षय, भगवान ने लिख दिया यक्ष। श्री बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने इनको नौका में बैठा लिया। अब इतने लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये केवट कौन था, जानते हैं? अगर नहीं जानते तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलिए त्रेता युग में। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी ना आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। राम जी का पांव धोया और पांव धोकर के नौका में बैठाया, और जब नौका बीच धारा में आई तैसे केवट पतवार फेंका। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, देखो चढ़ाया था सर पर, देखो क्या कर रहा है। जब नौका बीच नदी में हो और मल्लाह पतवार फेंक दे तो बताओ बचेगा, नौका में बैठा हुआ व्यक्ति बचेगा कि मरेगा? है जी, बचेगा कि मरेगा? तो कहा कि भैया तूने काहे ये फेंक काहे दिया? कहा प्रभु अगर कहीं हमने आपको पार कर दिया तो कल को हमारी जाति बिरादरी वाले कहेंगे भगवान क्या थे, अगर हमारे केवट ने पार ना किया होता तो पार हो पाते? तो कल को राजनीति होने लगेगी। इस नाते सरकार नौका किसकी, केवट आपकी? तो कहा सरकार बैठा कौन है? कहा हम। तो कहा सरकार अगर आप नौका पार लगा देंगे ना तो दुनिया वाले कहेंगे बड़े बड़े अमीरों की नौका तो छोड़ो, भगवान इतने अच्छे हैं कि केवट के टूटी फूटी नौका को भी पार लगा देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप भगवान तो हैं, आपका नाम और बढ़ जाएगा। भगवान उस पार आए, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सबसे हम कुछ नहीं देना। अब तब तक एक हाथ सामने आया, जानकी जी का। राम जी ने कहा, जानकी ये क्या है? कहा आपका हाथ। राम जी ने कहा, जानकी मेरा हाथ कैसे? कहा प्रभु जब मेरे पिताजी ने पारिग्रहण संस्कार कराया था तो ये हाथ आपके हाथ में दिया था, और आज से ये हाथ मेरा नहीं, ये हाथ आपका है, तो इस हाथ की अंगूठी भी आपकी है। राम जी केवट को अंगूठी देने लगे।
केवट ने कहा सरकार आज के कुछ दिन पहले आपका किसी ने पांव धोया था। बोले किसने? राजा जनक जी ने। तो उस दिन आपको राजा जनक जी ने दिया था कि आपसे कुछ लिया था? नहीं नहीं दिया था। क्या दिया था? कहा जानकी दिया था, दहेज दिया था। तो कहा कि जब एक पिता ने पांव धोया, बेटी को दिया, दहेज दिया, तो एक पिता अगर गरीब है और बेटी का पांव धो सकता है, कुछ दे नहीं सकता, तो कुछ ले कैसे सकता है? मैं नहीं ले सकता कुछ। और प्रभु फिर तेवार प्रभु जो कछु देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय जो कुछ देंगे उसको ले लूंगा, आज नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और दे के उतराई नाथ जाति न बिगारी। और रह गई बात, आप भी घाट के मल्ला है, हम भी घाट के मल्ला, आप भी माझी और हम भी माझी हैं। आप मेरे घाट आए, मैंने प्रभु को पार किया, आपके जब आऊं घाट पार मोहि उतारी। जब आपके घाट आऊंगा तो आप मुझे पार उतार देना। और इतना कह करके त्रेता पीता द्वापर आया। ध्यान से सुनिएगा, त्रेता पीता द्वाम आज घन श्याम हुए थे। त्रेता पीता द्वापर आया, श्री राम आज घन श्याम हुए। और त्रेता युग में जो केवट थे, द्वापर में वही सुदाम हुए। तो जो त्रेता युग के केवट थे, द्वापर में क्या बन करके आए? जोर से बोलो, सुदामा बन करके आए। तो इस समय में इन्होंने भगवान को उतारा, तो आज भगवान ने इनको पार उतारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इसके बाद बोले भैया यहां से द्वारिका कितनी दूर पड़ेगी? बोले ज्यादा नहीं, 300 किलोमीटर है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, 3 दिना के बीपर चले, दुखन लागे पाए, देखी छाया वृक्ष की, सोए पाव पसार। 3 दिन से चलते चलते सुदामा थक गए, एक वृक्ष की छाया को देखा और वहीं पर जाकर के सो गए। और तब तक भगवान ने अपनी माया को भेजा सुदामा को द्वारिका में पहुंचाने के लिए। अच्छा, अगर माया में से या निकाल दो तो कौन सा अक्षर बचेगा? जोर से बोलो, माया में से अगर या निकाल दो तो क्या बचेगा? माँ। अच्छा, भगवान ने माँ को काहे भेजा? आप सभी को पता होगा, जब बच्चा सो रहा होता है तो बच्चों को जगाने का काम, सुलाने का काम माताओं से बढ़िया कोई नहीं जानता। जानता है क्या? माताएं जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो आपने देखा होगा बच्चा सो रहा है, ला 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 लोरी दूध की कटोरी है ना, और आपने देखा होगा कि जब उसको उठाएंगे तो ऐसे करके ये, और अगर बच्चे ने कह दिया, अब पिताजी अगर कहीं जगाने गए, अब वो ऐसा जगेगा कि 3 दिन तक नहीं सोएगा। ये पिताजी का जगाना होता है। माताएं थपकी देकर के सुलाती हैं, बच्चा सो जाता है। भगवान पहुंचे, घंटी बज रही है, शंख बज रहा है, सुदामा जी की नींद खुल गई। अरे भैया, ओ भैया, ये कौन सी नगरी है? अब द्वारिका किस प्रांत में पड़ती है बताओ?
गुजरात में, तो उस गुजराती भाषा में उसने बोला इकानो नाम द्वारिका छे। सुदामा बोले वारे भैया, हम तो एक द्वारिका आए और अभी द्वारिका छे, तो पांच द्वारिका कहाँ ढूंढने को जाए। अरे नाय भैया, जैसे तुम हिंदी वारो बोले द्वारिका है, अपन गुजराती बोले द्वारिका छे। अच्छा अच्छा, ये द्वारिका है, अगर ये द्वारिका तो मेरे कन्हैया कहाँ पे मिलेगा। बोले भैया ये जो सबसे 16108 भवन दिख रहे हैं ना, इसमें जो सबसे अंतिम में भवन है ये रुक्मणी जी का है, बड़ा सुंदर भवन है, सभी भवनों में सबसे सुंदर भवन है, और भगवान कहीं नहीं मिलेंगे तो रुक्मणी जी के भवन में जरूर मिलेंगे, वहां पर जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है। अब सुदामा जी जा रहे हैं, एक पांव बढ़ाया, आंख में आंसू आ गए, पता नहीं कृष्ण पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। आजकल वो राजा हो गया है ना, आजकल तो मैंने देखा कि बड़े बड़े राजा अपने गरीब मित्रों को पहचानते नहीं है। अच्छा, आप सभी को पता होगा जब कोई रिश्तेदार आते हैं घर पर, अगर वो कोई बड़े पोस्ट पर होते तो लोग जानते क्या कहते, ये जो आए हैं ना ये इस समय धनघटा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हैं, ये जो आए हैं ना ये पौली ब्लॉक में, वहां इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ये जो आए हैं ये गोरखपुर में मंडल अध्यक्ष हैं, ये जो आए हैं ये लखनऊ के मेयर हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आ जाता है तो कोई पूछे ये कौन, ये भी है अपने हैं, ये कोई बताना नहीं चाहता कि ये हमारे कौन है। एक इंजीनियर साहब के यहां उसका पिता गया, फटा पुराना कपड़ा, लोगों ने पूछा ये कौन है, इंजीनियर ने कहा मेरे गांव का कहार है, मेरे गांव का कहार है। तो दुष सिक्योरिटी गार्ड आए, बोले चल भाग यहां से, साहब भी जी हैं। तो उसने कहा उनको बुला दो, मेरा बेटा है। बेटे ने कहा कि जाकर के बोलो भाग जाए यहां से। तो जब बाप ने देखा बेटा मिलने नहीं आ रहा है ना, वो दौड़ करके घर में गया और कहा ए सुन, आज जो ये सफेद कपड़ा तेरे शरीर पर दिख रहा है, ये जो कुर्सी दिख रही है, यहां तक पहुंचाने के लिए हमने कितनी रात जागी है, कितनी खुशियों का त्याग किया है, और आज अपने फटे पुराना पहनते पहनते तुझे इस काबिल बना दिया कि लोग तुझे प्रणाम करें, सम्मान करें। और रह गई बात, तू मुझे का अपना बाप कहेगा, मैं ही कहता हूं कि तू मेरा बेटा नहीं है। सारे कर्मचारियों ने डांटना शुरू कर दिया, क्या बात करते हो यार, तेरा बाप है, ऐसी बात करता तो अपने बाप से। और साहब जब उस इंजीनियर का बेटा बड़ा हुआ तो उस इंजीनियर के बेटे ने भी अपने बाप से कहा कि तू हमारा बाप नहीं है, चल यहां से निकल, घर में से बाहर निकल। तब इंजीनियर खंभे को पकड़ करके रोने लगा कि भैया हमने अपने पिता का अपमान किया था, वो मेरे सामने आ रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे देहात के कहावत है, साझे दे सकारे पावे अपूत भतार के आगे आवे। देहात में क्या कहावत कहा जाता है, साझे दे सकारे पावे अपूत भतार के आगे आवे। तो जैसा तुम करोगी वैसे तो तुम्हारे साथ भी होगा, जैसा तुम करोगे वैसे ही तो होगा। सुदामा सोचने लगे पता नहीं पहचानेगा कि नहीं। आए हैं द्वारपालों ने पूछा कहां जा रहे हो, सुदामा बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, जरा मेरे प्रभु से जाकर के कहना उनका मित्र आया है। द्वारपाल की आंख में आंसू आ गए, हे भगवान, ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा कि मैं इनका मित्र हूं, विष्णु ने नहीं कहा कि मैं इनका मित्र हूं, शिव ने नहीं कहा कि मैं मित्र हूं,
इंद्र ने नहीं कहा कि मैं मित्र हूँ, और एक फटा पुराना पहन करके आया और कह रहा मैं इनका मित्र हूँ। हो भी सकता है, क्योंकि भगवान तो तीन बंधु हैं, पता नहीं कब किसके मित्र बन जाए। पंडित जी क्षमा करना, भगवान ने हमसे कहा है कि मेरे दरवाजे पर भूखा दुखा कोई आवे तो बिना रोक टोक अंदर आने देना। लेकिन एक बात बताऊं आपसे, क्या अगर कहीं मैं आपको अंदर जाने दिया तो भगवान नाराज ना हो जाए, इस नाते पूछ करके आऊं, क्योंकि अभी अभी भोजन करके विश्राम करने गए हैं। और जैसे ये पहुंचे द्वारपाल, प्रभु अभिनय क्षमा करना, एक पंडित जी आए हैं दरवाजे पर, बोले क्या नाम है? जो बताया है द्वारपालों ने, नाथ एक भी छुक खड़ा पीप्र सुदामाना, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से का, मुझे कुछ नहीं बताया है, इतने कहा है कि जाकर के कह देना कि उनका मित्र आया है। बोले कैसा दिखता है? शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर उपाय उपान की नहीं सामा, द्वारी खड़ो दिज दुर्बल जय हो चकुसो वसुधा अभिरामा, द्वारी खड़ो दिज दुर्बल सुना कि मेरे बचपन का मित्र आया है। इतनी रोई रोई राधा कान्हा के लिए, जितन के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, वो जितना राधा कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ए हरी
देखी उसके हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। जितना रोई रोई समा परवाना के, जितना रोई रोई समा परवाना के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार मेरा मत वाला यार है मुरली वाला, यार मेरा मत वाला यार है मुरली वाला। राम और भरत को मिलते